मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चाप्टर नो टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर एक्सरसाइजे सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर फिफ्टी फोर एंड वी विल स्टार्ट डूंग एक्सरसाइज नंबर ए ऑफ दिस चाप्टर टिक द करेक्ट आंसर सो फर्स्ट वन इज वाई वर द मैन सिटिंग हडलिंग क्लोज टू द फायर जो मैन थे वो फायर के पास क्यों बैठे थे बिकॉज द वेदर वॉज वेरी कोल्ड सो यू आर गोइंग टू टेक ऑन ऑप्शन नंबर ए

because mullah's cook was only because there was not enough fire to cook the food so option number c is the correct option so now come to answer these question with reference to context exercise number b who said to whom किसने किससे कहा इसको हम हिंदी में बोलेंगे सो फर्स्ट वन इज़ ये लाइन किसने किसको कही है हमें ये बताना है ओनली यू कैन थिंक ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर एट अ टाइम लाइक दिस ये बात कही थी समीर ने समीर सैड एंग्रीली टू मुल्ला नसरुद्दीन समीर ने ये बात गु़स्से में कही थी मुल्ला नसरुद्दीन को वॉट कैन आई डू टू कन्विंस यू तुम्हें मनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ मुल्ला नसरुद्दीन आज दिस क्वेश्चन टू ऑल द मैन मुल्ला नसरुद्दीन ने ये क्वेश्चन पूछा था सारे मैन से वी ओनली बिलीव यू आर अ गुड क्लाउन एंड एक्रोबैट ये किसने कहा देवान एक्सक्लेम्ड टू मुल्ला नसरुद्दीन फिर हमारा फोर्थ है दियरेस्ट हाउस इज एट लीस्ट फिफ्टी फीट फ्रॉम द स्क्र तो आप लिख देंगे मुला नसरुद्दीन सेट टू ऑल द मैन विद ग्रेट सरप्राइज तो मुल्ला नसरुद्दीन ने ये बात बहुत ही सरप्राइज़ में आकर दूसरे मैन से कही थी सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू समीर सेड एंग्रीली टू मुल्ला नसरुद्दीन मुल्ला नसरुद्दीन आज दिस क्वेश्चन टू ऑल द मैन थर्ड वन इज़ देवान एक्सक्लेम्ड टू मुल्ला नसरुद्दीन एंड फोर्थ वन इज़ मुल्ला नसरुद्दीन सेड टू ऑल द मैन विद ग्रेट सरप्राइज

देन यू हैव टू कम टू आंसर दीज क्वेश्चन आपको हु सेट टू होम एक्सरसाइज नंबर बी कॉपी में करना है एज वेल एज यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर सी ऑल्सो इन योर इंग्लिश कॉपी में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना है फर्स्ट वन इज वाई वर द पीपल एट द टी हाउस वरिड जो लोग टी हाउस में थे वो इतने ज्यादा वरिड क्यों थे द पीपल एट द टी हाउस जो पीपल्स थे टी हाउस में वो वरिड इसी लिए थे बिकॉज दे आर रेशन वॉज़ टू फिनिश ड्यूरिंग विंटर क्योंकि उनका जो खाना उनका जो राशन था वो विंटर में ख़त्म होने वाला था इसीलिए वो इतने ज़्यादा वरिड थे तो आप ऐसे फर्स्ट आंसर में लिख देंगे द पीपल एट द टी हाउस वरिड बिकॉज दे रेशन वॉज टू फिनिश ड्यूरिंग विंटर देन सेकेंड वन इज़ वॉट डिड मुला नसरुद्दीन से टू एडवाइज़ दै मुला नसरुद्दीन ने उन्हें क्या बोला उनको एडवाइस करने के लिए इन द सेकेंड आंसर वी आर गोइंग टू राइट मुल्ला नसरुद्दीन सेट टू एडवाइस दैम देवर हेल्दी मैन उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा एडवाइस देते हुए कि हम लोग तो हेल्दी मैन है इफ़ दे ड्रेस्ड वामली अगर हम सब ड्रेस गर्म कपड़े पहन लेंगे दे वर नॉट फील तो तुम लोग भी बिल्कुल भी कोल्ड फील नहीं करोगे देन थर्ड वन इज़ वॉट टेस्ट डिड द पीपल एट द टी हाउस हैव फॉर मुला जो पीपल थे टी हाउस पे उन्होंने मुला के लिए कौन सा टेस्ट तैयार किया द टेस्ट वॉज दैट टेस्ट ये था दैट एज सुन एज नाइट फॉल्स जैसे ही रात हो जाएगी मुल्ला वुड गो आउटसाइड मुल्ला बाहर जाएगा एंड स्टैंड इन द टाउन स्क्वायर टाउन स्क्वायर की तरफ खड़ा हो जाएगा विदाउट डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी विदाउट इवन अ कैंडल कैंडल के बिना देयर वुड ही वुड रिमेन टिल डाउन ही वुड रिमेन टिल डाउन मतलब कि जब तक सुबह नहीं हो जाती तब तक उसको टाउन स्क्वायर में खड़ा रहना पड़ेगा देन फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड मुला नसरुद्दीन कीप हिमसेल्फ ड्यूरिंग द नाइट मुला नसरुद्दीन ने खुद को पूरी रात गर्म वार्म कैसे रखा ही स्टार्टेड रनिंग एंड जम्पिंग वो भाग रहा था कूद रहा था ही डिड पुशअप्स एंड सेटअप्स फॉर अ चेंज ही टर्न कार्ट व्हील्स एंड डिड सोमर सॉल्ट उसने काटवील्स किए सिटअप्स किए पुशअप्स किए और सोमर सॉल्ट एस ओ एम ई आर एस ए यू एल टी एस सोमर सॉल्ट भी एक एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज उसने की देन फिफ्थ क्वेश्चन इज वाई डिड द पीपल इंसिस दैट मुला हैड फेल्ड द टेस्ट पीपल ऐसा क्यों बिहेव करने लगे कि मुला ने अपना टेस्ट पास नहीं कर पाया वो फेल हो चुका है टेस्ट में सो दे नोटिस्ड दैट वाइल रनिंग अराउंड उन्होंने ये चीज़ देखी कि जब वो भाग रहा था ही ऑलवेज स्टॉपड इन फ्रंट ऑफ हाउस वो बार बार एक घर के पास रुक रहा था वेयर कैंडल वॉज बर्निंग जिस घर में एक कैंडल चल रही थी एट द विंडो विंडो के पास सो ही फेल्ड द टेस्ट और उन्होंने कह दिया कि इसीलिए ये टेस्ट वो फेल हो जाता दैन सिक्सथ वन इज़ वॉट डिड मुला डू इन द एंड टू प्रूव हिस विक्ट्री फिर लास्ट में मुला ने ऐसा क्या किया अपनी जीत को प्रूव करने के लिए मुला इन्वाइटेड एवरी वन फॉर मील मुला ने सबको खाने पर बुलाया ही बर्नड अ स्मॉल कैंडल और उसने एक छोटी सी कैंडल जलाई अंडर द कुकिंग पॉट जिसमें खाना बन रहा था एस डब्ल्यू आई एन जी सींग इट्स समीर बिकेम एंग्री और उस चीज़ को देख के समीर गुस्सा हो जाता है एंड मुला मेड देम रियलाइज देयर आंसर फॉर हिज लॉस्ट विक्ट्री और इसी चीज़ से मुला उनको रियलाइज़ करवाता है कि उन्होंने भी कितना गलत किया था क्योंकि अगर एक फूट का पॉट नहीं वाम हो रहा है गर्म हो रहा है छोटी सी कैंडल से तो वो खुद कैसे वार्म हो सकता है सो वी हैव कम्प्लीटेड यर ऑल सिक्स क्वेश्चन एंड आंसर्स सो यू हैव टू राइट दीज सिक्स क्वेश्चन एंड आंसर्स इन योर English copy. In the next video, we will continue forward with our vocabulary part.